लड़का कैसा पसंद है आपकी जब शादी होगी, लड़का कैसा होना चाहिए? 1.5 साल व्यूज आए हैं, तकरीबन 15-20 व्यूज आते रहे हैं और मुझे कुछ भी नहीं आता था। घर के सारे काम कर लेती हूँ, सिलाई कर लेती हूँ, पेंटिंग कर लेती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं अलीजा सहर, एक मशहूर पंजाबी व्लॉगर हैं। हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसे स्ट्रगल की कि आज इनको पूरी दुनिया में पंजाबी व्लॉगर के नाम से पहचाना जाता है और जाना जाता है। अभी मैं व्लॉगर हूँ, यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाती हूँ और घूमती फिरती हूँ, एंजॉय करती हूँ। व्लॉगर तो आप हैं, इसके अलावा घर में कोई एक्स्ट्रा काम भी करते हैं इसके अलावा, व्लॉगिंग के अलावा? जी, घर के सारे काम कर लेती हूँ, सिलाई कर लेती हूँ, पेंटिंग कर लेती हूँ और पार्लर का काम कर लेती हूँ, मेहंदी लगा लेती हूँ, सारे काम आते हैं। मुझे ये बताएं कि आपने जब चैनल स्टार्ट किया क्या माइंड में आया, इसमें कहाँ से मोटिवेशन मिली आपको? चैनल इस तरीके से स्टार्ट किया कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब मैं फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी, पेंटिंग वगैरह करती थी, चीज़ें डेकोरेट करती थी, तब ऐसे ही माइंड में आया, जैसे कि दोस्त से बात करते हैं कि यूट्यूब के बारे में थोड़ा सा उन्होंने मतलब बात की बैठे बैठे, तो मैंने फिर बाद में मेरा भी दिल किया कि मैं यूट्यूब पे काम करूं, तो इस ऐसे फिर मैंने ऐसा ऐसा स्टार्ट किया। फिर मम्मा पापा जानी का नाम भी रोशन करना था और ज़िंदगी में आगे कुछ करना भी था और भाई बहन छोटे थे उनको सपोर्ट भी करना था, तो इस वजह से मैं यूट्यूब पे आई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप इस मोटिवेशन के साथ यूट्यूब पे आई, आपको पता था कि आप एकदम से इतनी वायरल हो जाएंगे, आपको पूरी दुनिया देखेगी? एकदम से तो नहीं हुई, तकरीबन 1.5 साल व्यूज़ आए हैं, तकरीबन 15-20 व्यूज़ आते रहे हैं और मुझे कुछ भी नहीं आता था, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन गुजरते गए, बिल्कुल अभी भी सिंपल ही बनाती हूँ, बहुत कुछ मैं स्पेशल नहीं, मतलब नॉर्मल लाइफ पंजाब की दिखाती हूँ, तो सभी को पसंद आती है। आपने अपने अभी ये कहा कि मैं, मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था, मेरे पीछे ये मटके पड़े हुए हैं, ये खुद डिज़ाइन किए हैं? जी, ये पहले मैं ये तकरीबन 3 दफ़ा डेकोरेट डिज़ाइन को कर चुके हैं, पहले फर्स्ट टाइम मैंने किए थे, सेकंड टाइम भी मैंने किए थे, अभी थर्ड टाइम मेरी तबीयत ख़राब थी तो मम्मा जाने और भाइयों ने किए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ना एक बहुत बैकवर्ड इलाके से हैं, हासिलपुर समझा जाता है कि बहुत बैकवर्ड इलाका है, तो आपको जब वीडियो बनाते हुए जब आप बाहर निकलती हैं अपने व्लॉग बनाने के लिए, लोग भी देखते होंगे, तो कैसा फील होता है, उनमें आप अपनी वीडियोज़ शूट कर लेती हैं? जी, पहले ना स्टार्ट में बहुत ज़्यादा अजीब लगता था, जैसे कि सभी देखते थे, और बाद में अभी मैं जाती हूँ तो अभी भाई मेरी व्लॉग्स शूट करते हैं, तो पहले उनको भी अजीब लगता था, मना कर देते थे कि अभी इधर लोग देख रहे हैं, अभी यहाँ पे नहीं शूट करते ना, तो अभी जाते हैं तो मैं कहती हूँ, वो कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, मैंने बोला बस मेरा काम है तुम करो शूट, अभी भाई शर्माता था ज़्यादा ही आप। अभी भाई भी ठीक हो गए हैं। कभी आपका दिल नहीं किया कि आप बाहर निकलें, आउट ऑफ सिटी जाएं, इस छोटे से इलाके को छोड़ के चली जाएं किसी बड़े इलाके के? बड़े इलाके की तरफ तो नहीं, लेकिन मुझे अभी हम यहाँ पे रह रहे हैं, अभी इधर हमारा घर में बस किचन ही मौजूद है, मेरा दिल करता है कि गांव में घर हो, वो भी कच्चा मिट्टी का बना हुआ हो, गाय भैंसें हों, घोड़े हों, बकरियाँ हों, मुर्गियाँ हों, मतलब ये सारा कुछ मुझे पसंद है, मुझे सिटी नहीं पसंद। तो मुझे ये बताएं कि लड़का कैसा पसंद है आपकी जब शादी होगी, लड़का कैसा होना चाहिए? वो पेरेंट्स बेहतर जानते हैं कि मेरे लिए कैसा मतलब बेहतर हो होगा, तो वो खुद ही ढूंढ लेंगे। तो इसका मतलब अरेंज मैरिज होगी, लव नहीं? नहीं, वो नहीं, वो पसंद करेंगे, पसंद करने के बाद मुझसे पूछेंगे कि अलीजा हमने तुम्हारे लिए ये पसंद किया तुम्हें कैसा लगता है, अगर तुम राजी हो तो हम हाँ कर दें, ऐसे है। आपको लोग क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा करते हैं, गमो गुस्से का इजहार करते हैं, आपको अब्यूज़ करते हैं, आप वो सारी चीज़ें देखती हैं या सुनती हैं? हाँ जी, मैं मेरे पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनती हैं, अजीब अजीब भी बनती हैं, हालांकि पहले स्टार्ट में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था और बहुत ज़्यादा रोना भी आता था कि इतना अच्छा काम करने के बावजूद लोग फिर भी नहीं छोड़ते, फिर भी बातें करते हैं, फिर जो मेरे मम्मा पापा जानी हैं उन्होंने बोला कि लोगों का तो काम है बोलना, तुम आगे देखो, तुमने आगे बढ़ना, तुमने पीछे थोड़ी ना जाना है, तुम आगे अपना काम करो, आगे देखो तुम, बस वो हम देख लेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं ना, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जो भी लड़की हैं काम करना चाहती हैं तो उनको खुद पे यकीन करना चाहिए, अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, नेक काम करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए, वो भी कामयाब हो सकती हैं, और अपने पेरेंट्स की हमेशा इज़्ज़त करें, कदर करें, उनके जो है परमिशन से हर काम करें, और यही जो है सबसे बड़ी कामयाबी है।